कोई टीवी के मौजूद दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। प्यारे दोस्तों, आज पिकनिक के लिए हम लोग पहुंचे हैं साहले समंदर पे। दोस्तों, जहां पे गाड़ी आपको खड़ी नजर आ रही है, नीचे समंदर का कचरा, घास फूस, पत्ते वगैरह भी आपको नजर आ रहे हैं। खाना बनाने के लिए गाड़ी से सामान निकाला जा रहा है। सामने जो आपको रेत का टीला नजर आ रहा है, ये काफी हाइट पे है और इसमें आपको घर भी नजर आएंगे और खेमे भी लगे हुए नजर आएंगे। बहुत माजरे के साथ, आपको हवा की खड़खड़ाहट महसूस होगी, हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है। ये वहीद भाई के हाथ में आपको छुरी नजर आ रही है, ये प्याज और टमाटर काटना इनके जिम्मे है। दोस्तों, अभी 4 का टाइम है, आपको यहाँ पे पानी नज़र नहीं आ रहा, गाड़ी जहाँ पे खड़ी है, लेकिन रात को 12-1 बजे के बाद इस पूरे एरिया में पानी ही पानी आपको समंदर का नज़र आएगा। इस पे इस जगह पे ठहरना, पिकनिक मनाना, गाड़ी खड़ी करना, खैमा लगाना नामुमकिन। आपको खैमा लगा हुआ नज़र आ रहा है हमारा, इसमें 3 बंदे आराम से सो सकते हैं और साथ में हमने एक छोटी सी बाउंड्री वॉल बनाई है, वो भी कपड़े की है, खेमे की है, इसलिए कि रेत जब उड़ती है तो वो खाने में ना चली जाए, तो उसके लिए हमने थोड़ी सी सेफ्टी की हुई है। दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा ये जो रेत है, ये बिल्कुल गीली है। अभी चूँकि 4 बजे का टाइम है तो समंदर वो पीछे आपको नज़र आ रहा है ना, जैसे जैसे ये रात को 12-1-2 का टाइम होगा, ये समंदर का पानी, ये जो आपको नज़र आ रही है जगह, यहाँ से क्रॉस करता हुआ, गाड़ी को क्रॉस करता हुआ बहुत आगे तक चला जाएगा। छोटे मियाँ आ गए हमारे, लगता है कुछ मछली वगैरह पकड़ के लाए हैं। ये लें जनाब, छोटे मियाँ जो है ना, वो एक मछली पकड़ने में कामयाब हो गए हैं और हमारा बारबेक्यू चले बन गया है। ये दो उठाओ, अभी नीचे दो पे रख, दोनों उठाओ, दोनों लकड़ी उठाओ, वो नीचे वाले पे रख इस तरह। इतनी भी लगी रही तो इसके लिए बहुत, अच्छाई के लिए बहुत है। तो आपको सामने साले समंदर के पास ताहर भाई और उनका बेटा नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने 2-3 कांटे लगाए हुए हैं और कोशिश जारी है कि मजीद मछलियां पकड़ी जा सकें। यह है हमारा चूल्हा और मेरे जिम्मे है काम चाय बनाने का। आंखों में धुआं भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और चाय भी नहीं बन रही, इसलिए कि हवा बहुत तेज़ है और लकड़ियों को आग नहीं लगा रही है, फिर भी कोशिश जारी है। बनाओ बनाओ बनाओ, चल जाएगी किस तरह चाय बनता है। ये बीवियां ही अच्छी हैं। भी याद आ जाए आपको। दोस्तों, उम्मीद है आप भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। वाकई सहरा में इस तरह की पार्टीज को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं, रेडिएटर पानी सही गर्म होता है, उसमें चाय पत्ती डाल के ये देखो, मेरे तो आंसू जो है निकल गई। इधर देख, इधर मुझे देख। मैं तो पास बैठूं, आप उधर से कैसे निकल। हां देख, क्या हो गया ये। रात हो चुकी है और हमारा सारा कुछ रेडी है, गोश्त भी बन चुका है और 3 मछलियां पकड़ने में कामयाब हुए ताहिर भाई और उनके बेटे, और वो हमने बारबेक्यू भी बना लिए उसके। जी खोज टीवी के मौजूद दोस्तों, उम्मीद है आप हमारे साथ एंजॉय किया होगा। इस तरह की पार्टीज कभी कभार आउटसाइड होनी चाहिए और इस वक्त हम बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए, तो आप भी एंजॉय कीजिए। कोई ये वीला कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिए। हम
हमारे YouTube चैनल खोज टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।